अभी जो नियाज गाड़ी है, हम लोग इंजन का पूरा काम हो गया। अभी गाड़ी जो है हम लोग रोड टेस्ट में निकल रहे हैं। अभी जो किलोमीटर है 12,491 किलोमीटर अभी गाड़ी चलाएंगे रोड में चला के देखेंगे। अभी गाड़ी का जो आरपीएम है पूरा एक्यूरेट हो गया और स्पार्क प्लग भी हम लोग चेंज कर दिया। अभी रोड टेस्ट करके चला के देखेंगे। अभी गाड़ी का स्पीड है 48। अभी इंजन पूरा जिस टाइम होता है थोड़ा बहुत हल्का स्पीड में चलाना पड़ता है। उसके बाद हम लोग हीटिंग देखेंगे गाड़ी का, एसी का ठंडा कैसा हो रहा है ये देखेंगे। गाड़ी के अलाइनमेंट बहुत अच्छा है, एकदम हाथ छोड़ के गाड़ी चला रहे। पिकअप भी एकदम स्मूथ है। अभी अलाइनमेंट दिखाओ, अलाइनमेंट हम लोग टेस्ट करेंगे। बहुत ही बढ़िया अलाइनमेंट है गाड़ी का और इंजन का तो परफॉर्मेंस है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सब मिलके हम लोग इंजन बनाया, अभी जो इंजन बनाया वही इंजन में जो इंजन है वही गाड़ी लेके हम लोग रोड टेस्ट जिस टाइम करेंगे उसका फीलिंग थोड़ा अलग होता है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी गाड़ी जो है हम लोग मार ब्रिज में मोटा मोटी गाड़ी जो है 20-25 किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे। गाड़ी का जो हीटिंग मेन है, हीटिंग काटा जो है वो देखना है, हीटिंग अभी तक नहीं है। इंजन बना है इसके लिए हम लोग 40-50 में ही गाड़ी चलाएंगे। अभी एकदम गाड़ी का इंजन के ऊपर एकदम प्रेशर नहीं देंगे। मान लीजिए जैसा 50-60 किलोमीटर आवर में गाड़ी चलता है ऐसा नहीं, अभी लगभग 50 स्पीड में हम लोग गाड़ी चलाएंगे। 47 स्पीड है गाड़ी का, नया इंजन जिस टाइम होता है वो बनाने का बाद 1-2 हफ्ता आराम से इसको चलाना चाहिए, तब जाके समझ में आता है जो गाड़ी में इंजन में परफॉर्मेंस कैसा है, हीटिंग कैसा है, पूरा देख के फिर लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहिए। इंजन बनाने के बाद पूरा जो है रोड टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, हम लोग कर रहे हैं। स्टॉप एक गाड़ी, इसके बाद जो एलेंट्रा गाड़ी है इसका भी इंजन हम लोग बनाएंगे, इसका भी रिव्यू करेंगे और जो इंजन वो वाला इंजन जो है वो इंजन हीटिंग प्रॉब्लम है गाड़ी में, वो इंजन का बहुत ज़्यादा काम होगा, वो भी बनाएंगे उस टाइम, उसका भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में आप लोग बोल सकते हैं, जो जो मेरा जो वीडियो है देख रहे हैं तो जिस टाइम कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम लोग रेक्टिफाई कर सकेंगे। बहुत ही बढ़िया
देखो स्टीयरिंग का जो स्टेरिबिलिटी है बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बस थैंक यू सो मच। लगभग हम लोग 15-16 किलोमीटर गाड़ी चला लिया, अभी गाड़ी में कुछ भी ट्रैवल नहीं आया। जो चेक लाइट, एसी परफॉर्मेंस, गाड़ी का पिकअप फुल्ली ओके है। गाड़ी का पिकअप जो है थोड़ा 50-60 के ऊपर गाड़ी, हम लोग स्पीड उठा के भी देखा, पिकअप एकदम स्मूथ है। हम लोग ब्रिज में भी चलाया और थोड़ा जाम रास्ते में भी गाड़ी चला रहे। बहुत ही स्मूथ है। स्टॉप हो गया। अभी जिस टाइम इंजन होता है, जो इंजन होने के बाद थोड़ा जाम रास्ते में भी चलाना चाहिए गाड़ी, और थोड़ा हाईवे में भी चलाना चाहिए। अभी थोड़ा जाम रास्ता है, गाड़ी में कुछ भी इशू रहेगा रीडिंग का तो प्रॉब्लम निकल जाएगा, अभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी जो एसी है, एसी भी चिल ठंडा हो रहा है। आओगे देखो, कोई भी गाड़ी का जिस टाइम इंजन होता है, इंजन होने का बाद ही एकदम हाई स्पीड भी नहीं चलाना चाहिए। हल्का स्पीड, लो स्पीड, हाई स्पीड थोड़ा बहुत चलाना चाहिए। इंजन जिस टाइम होता है उस टाइम थोड़ा बहुत टेंशन रहता है, जो कैसा होगा इंजन, लेथ का काम कैसा होगा, इंजन का परफॉर्मेंस कैसा होगा। लेकिन पूरा जो है काम के ऊपर ही डिपेंड करता है, काम जैसा होगा वैसा ही इंजन का परफॉर्मेंस भी वैसा होगा। ध्यान से काम करना चाहिए तो जाके इंजन का ऐसा परफॉर्मेंस मिलता है। गाड़ी चलाएंगे, स्टॉप। गाड़ी हिल पे भी बहुत ही अच्छा पिकअप ले रहा है। इंजन मारने के बाद एक तो प्रॉब्लम आया था, प्रॉब्लम मतलब थोड़ा नॉकिंग कर रहा था। हम लोग स्पार्क प्लग इसका चेंज नहीं किया था, तो उसके बाद स्पार्क प्लग चेंज कर दिया, अभी और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे अच्छा है गाड़ी का जो अलाइनमेंट है बहुत ही बढ़िया है, एकदम स्टीयरिंग जो है बहुत ही अच्छा है, स्टेबिलिटी बहुत अच्छा है। अभी गाड़ी का स्पीड जो है 50 में हम लोग गाड़ी चला रहे हैं।